सीक्रेट फॉल का सीक्रेट बताइए. यस वेरी वेरी सीक्रेट इवन इन देखो रेमबो सर्वर कह रहा घुमा के लाओ, बिना घूमे भाई साहब किसी को सुख नहीं मिलता. गुड इवनिंग. आज मेरा छठवां दिन है. चूंकि मैं बीमार हो गया था कल, थोड़ा सा जुकाम और कुछ वायरल टाइप का हो गया था, तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग शाम को 6:30 के बाद शुरू किया. तो संस्कार योगशाला के गेस्ट रूम में मैंने अपना कैमरा लगा दिया. तो यहाँ एक तो ये बड़ा सुंदर जो यहाँ की फोटोग्राफी और अलग अलग एक्सपीरियंस लोगों के हैं, ये पूरा ये बोर्ड ना ये अद्भुत है. इसको मैं दूसरे एंगल से थोड़ा पास से दिखाना चाह रहा था. तो फिर इसके बाद मैं आज रात्रि ब्लॉगिंग करूँगा, क्योंकि दिन में तो मैंने बहुत कुछ दिखाया इस ऋषिकेश का, लेकिन रात्रि की जो शांति है वो अद्भुत है. तो बने रहिए आज के ब्लॉग में, बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है. तो ये देखिए संस्कार योगशाला के अलग अलग समय के जो दृश्य है ना, स्टूडेंट्स जो अलग अलग समय पे आए उनका, और जो भी यहाँ चित्रण मेरे को मिला है मैंने अपने कैमरे में लेने का प्रयास किया है. और ये देखिए अजय गुरुजी हैं, और ये सब अलग अलग समय के जो स्टूडेंट है ना उनके चित्रण यहाँ किए गए हैं. और ये मेरे नवीन गुरुजी बीच में, यस. तो ये देखिए संस्कार योगशाला का पूरा दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ. और ये नवीन गुरुजी यज्ञ करा रहे हैं, हवन करा रहे हैं. अलग फीलिंग आती है. यस वेरी वेरी देखिए ये नवीन गुरुजी. छोटे बच्चों का भी यहाँ जो है सरस्वती ज्ञान मंदिर में नित्य योगा क्लास चलती रहती है. ये देखिए अलग अलग आसने आपको देखने को मिल जाएंगी, एकदम कुंडलिनी योगा आसन. संस्कार योगशाला तपोवन ऋषिकेश. वाओ इस योगशाला में ना दुनिया के सभी महान पुरुष आके आशीर्वाद प्रदान करते हैं, सभी योगी महायोगी सनातनी सनातन का धर्म प्रचार करने वाले लोग इस योगशाला में आकर आशीर्वचन आशीर्वाद प्रदान करते हैं. पावरफुल पिक मिली मेरे को.
नेपाली छात्र ने ये चित्र बना के यहाँ भेजा है जो संस्कार योगशाला में लगा हुआ है। हाँ है ना, यहाँ के साइन बोर्ड में अभी 13 से 15 अक्टूबर का थाईलैंड का ट्रिप, शायद इसमें ही नवीन सर, नवीन गुरुजी गए हुए हैं, और ये लोगों के अलग अलग फीडबैक भी है, अद्भुत है। ये अजय गुरु जी का चित्र, ये किसी ने बिल्कुल, ये उसमें कपड़े पे बनाया हुआ है। कपड़े रेम्बो, क्या हुआ? क्या चाहिए, क्या चाहिए? घुमा के देखो, रेम्बो कह रहा घुमा के लाओ, बिना घूमे भाई साहब किसी को सुख नहीं मिलता, इसलिए सभी लोग अपने जीवन में घूमने का नियम जरूर बना लें। संस्कार योगशाला, ट्रेडिशनल योगा आश्रम इन ऋषिकेश। इस आश्रम में आने के बाद आपको नई दुनिया का एहसास होगा, नए जीवन का एहसास होगा, नए युग का एहसास होगा। तो योगशाला के अभी हम पुस्तकालय, यहाँ पे सभी प्रकार की योग से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध मिल जाएंगी आपको, हिंदी और इंग्लिश वर्जन मिल जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट आते हैं और उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियरी है कि यहीं सारी पुस्तकें उपलब्ध रहती हैं यहीं। और ये जो यूज होने वाले पोर्ट और अन्य चीज़ें हैं, कथा, भागवत, पुराण, रामायण, तंत्रिक क्रिया योग, यानी कि बिहार योगा से संबंधित सभी पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी संस्कार योगशाला में। गुरुजी के पिताजी, नवीन गुरुजी के पिताजी अभी हैं आश्रम में आए हुए, तो उनका मैं चित्र आप लोगों तक भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। संस्कार योगशाला के ना टीचर ट्रेनिंग का पूरा सिलेबस कोर्स है, और ये बाहर का पूरा दृश्य, और यहीं पे एक योगी स्टोर भी है, डेली नीड योगा बुक्स। आज का ना दिन मेरा थोड़ा सा वैसा रहा, लेकिन शाम को अच्छा फील हुआ, तो मैंने ब्लॉगिंग यहीं योगशाला के बाहर ही शुरू की, और हो सकता आज हम रात्रि में एक शांतिमय जगह, जो ऋषिकेश लक्ष्मण झूला जाते समय मेरे को फील आया था, तो मैं रात का दृश्य मैं आपके सामने दिखाऊंगा, तो उस दृश्य से आपको ये लगेगा कि वाकई ऋषिकेश में क्या शांति है, मतलब ऐसी शांति, अद्भुत शांति मेरे को। यहाँ 7:30 के बाद गंगा माँ के किनारे जाने पर वहाँ बैठ के ध्यान करने के लिए, और एक अद्भुत फीलिंग आई है, तो मैं आज रात्रि वाला आपको दिखाऊंगा जरूर। सीक्रेट फॉल का सीक्रेट बताइए। यस, वेरी वेरी सीक्रेट, इवन इन द नाइट, सुपर सीक्रेट एट नाइट स्पेशली। ओके, तो क्या नाम है मैम का? योई जी। हैं? योई। सुपर सीक्रेट। Instagram be must, post be must. Yes. Hi, you. Thank you for support, Natasha. Natasha. India? Natasha. Yes, of course. I'm born here. Me too. And Russian and American, but pure Indian. No. हरिओम जी, हरिओम। आज मैंने बोला था ना कि रात्रि की शांति में आपको ऋषिकेश की दिखाने वाला हूँ,
और मामा जी मेरे गुरु जी सीताराम जी मेरे साथ में है, और मैं स्कूटी से ये रात्रि की शांति के लिए निकल रहा हूँ इनके साथ। चलिए लेट्स गो। तो अब मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ ऋषिकेश में अभी बजने वाले हैं लगभग 8, रात्रि के 8, और 8 बजे रात्रि की मैं आराम से, मामा आराम से चलो, धीमे चलो मामा। हाँ, तो मैं ये दिखा रहा था कि 8 बजे के बाद यहाँ लोग रिलैक्स हो जाते एकदम, मतलब कि अपने अपने भोजन प्रसादी बिहारू के बाद, जो हम लोग बोलेंगे डिनर के बाद ना लोग 8 बजे से लेके 9 बजे तक यहाँ सब लोग सो जाते हैं, और सुबह लगभग सभी की मॉर्निंग 4 बजे से लेके 5 बजे तक हो ही जाती है, और इसके बाद योग क्रिया, योगा आसन, इन सब में लोग लग जाते हैं। अभी मैं धीरे धीरे लक्ष्मण झूला की तरफ जा रहा हूँ, अपर तपोवन अपनी संस्कार योगशाला से, और ओ भाई क्या बात है, क्या चक्कर है मामा, कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? अरे भाई कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि मैं एक दिन बीमार होने के बाद आज कुछ काफ़ी हद तक अच्छा फील कर रहा हूँ, यानी मैं स्वस्थ हो गया पूर्ण रूप से। तो ये 8 बजे से 8:15 के बीच में मैं थोड़ा सा गंगा जी किनारे तक की एक शांति दिखाना चाह रहा था अपने इस ब्लॉग के माध्यम से, और मेरा छठवां दिन है ऋषिकेश का, तो छठे दिन कुछ नई छटा बिखेरने का प्रयास कर रहा हूँ। वहाँ कुछ बोल दो तो ज़्यादा बढ़िया है, एक आध शब्द। बिल्कुल, हमारे सर ही बहुत ही ग्रेट हैं, बहुत ही अच्छे ब्लॉग बनाते हैं। तो हम अभी पहुँचने वाले हैं मेन रोड पे। मेन रोड मतलब तपोवन। तपोवन, यस। आराम से, गाय बैठी हुई है। हाँ, तो अब हम नीचे आ गए एकदम फाइनली तपोवन रोड पे, और अब हम यहाँ से एकदम बाइक की बाइक से ना थोड़ा लक्ष्मण झूला और गंगा जी तक जाना चाहूँगा। हाँ, इस वाले से उतारना यार, तुम मुझसे निकल आना है, इस वाले से उतार देना, ये खाली एकदम इस समय सिंगल वाली। तो हम देखो इसी बाइक से नीचे की तरफ जा रहे हैं, और ये यहाँ से एकदम सिंगल रास्ता है, एकदम सिंगल बाइक जा पाती है ओनली। और आप देखिए यहाँ आपको एक नई शांति दिखाई देगी पूरी। यस, पूरे ऋषिकेश में इस समय यहाँ लक्ष्मण झूला के आसपास सब लोग स्लीपिंग मोड में जा चुके हैं, यानी वास्तविक शांति जिसको बोलते हैं वो यहाँ हमको नजर आती है ऋषिकेश में। ओह माय गॉड, चलते रहो, कुछ नहीं हुआ, लग रहा मेरे को हवा कम है। हवा नहीं कम है वो, यहाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ केवल पहिए पहिए निकल पाते, ये खतरनाक प्लेस है। और धीरे धीरे मैं बिल्कुल लक्ष्मण झूला की तरफ बढ़ रहा हूँ। इधर राइट राइट राइट, ये देखिए, अरे मेन रोड पे आ गया लक्ष्मण झूला वाले रोड पे। अब मैं इसके बाद आपको घाट पे और गंगा जी के दर्शन।
मूड होके आते हैं। आज वहाँ मूड में है लेकिन कहीं जाना है इनको तो मन नहीं लग रहा मेरे साथ। मेरे को जाना है रिपोर्ट लेने। हाँ तो मेरे साथ मन नहीं लग रहा था इसलिए थोड़ा गड़बड़ी हो गई लेकिन फिर भी हमने ले आए नीचे तक। और थोड़ा इस साइड वाले में चल रहा प्लीज इधर इधर लेफ्ट एक बार लेफ्ट तो चलो लेफ्ट तो चलो बस इसके बाद तुम्हें फूल फोड़ देते हैं और लेफ्ट चलने का मैं फिर छोड़ देता हूँ। ओके धन्यवाद। अब मैंने जो कैमरा लगाया हुआ है इस समय वो बिल्कुल गंदा माँ यहाँ बह रहे हैं वो भी इस शांति वाली फीलिंग के साथ जो फीलिंग आती ना एकदम यहाँ लोग असली योगी बन जाते हैं। यानी कि आप यहाँ की जो हवा आती है उसमें कहीं ना कहीं शंकर जी का वो साधना का अलग एहसास होता है। 8 बजे शाम को जो मेरे को यहाँ फीलिंग आती है एकदम रिलैक्स फील हो जाता है वो अद्भुत है। तो ये गंगा माँ की कृपा है। पीछे इधर इधर या कई लोग शाम के वक्त मेडिटेशन करते हैं ऐसे जैसे मैं भी अपना आसन लगा के बैठ गया ऐसे लोग बैठ जाते हैं और जो हवा आती है उसमें कुछ एक पावर है एनर्जी है अद्भुत एनर्जी है। ऐसे फील कर मतलब अंदर फील आता है एकदम जैसे कुछ अंदर जा रहा हो आपको सांस से लेके हर चीज़ अलग नज़र आएगी। ये मैं फील कराना चाह रहा था। अभी मैं थोड़ा सा और आगे अंधेरे में जाऊंगा फिर एक अलग फीलिंग कराऊंगा आपको। जय गंगा जय गंगा भैया जय।